वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉस्टर। अब आज हम फिर से डूबेंगे टिकटॉक की नंगी और बदनाम गलियों में, जिन्होंने भर भर के जहर फैला रखा है। आइए फिर से कूदते हैं उन जहर वाली गलियों में और थोड़ा मजा लेते हैं। और अब अगली वीडियो में देखो कैसे एक ये नर या मादा मुझे पता ही नहीं चल रहा है। ये कैसे अपने हथियार को चूम रही है? ये वही हथियार है जिससे बड़े बड़े शक्तिमान, आयरन मान और स्पाइडरमैन पिटे हैं। इस दुनिया में कोई भी मान ऐसा नहीं है जो इस हथियार से ना पिटा हो। इस हथियार से पिटे बिना कोई भी सुपर स्ट्रॉन्ग, शक्तिमान, आयरन मान, स्पाइडरमैन नहीं बन सकता। और अब अगली वीडियो में देखो कैसे एक बंदा एवेंजर एंड गेम क्यों नहीं देख के आया, ये उसको बता रहा है। आप भी सुनो इसका बेवकूफाना आंसर। क्या रे, मूवी देखने जाने वाला था ना एंड गेम, साला वो पोस्टर देख के रिटर्न आ गया मैं। पोस्टर देख के क्यों? साला उसमें सब हीरो है, हल्क है, थॉर है, कैप्टन अमेरिका है, बल्कि स्पाइडरमैन और आयरन मैन भी है। साला अपना ही मैन नहीं है बे। कौन अपना मैन? शक्ति मैन। इसे देखने के बाद थानोस ने भी यही सोचा होगा कि काश मैं भी चुटकी बजा के इसे खत्म कर देता। ऐसे बंदे इतने भरे पड़े हैं कि थानोस भी सोचता होगा कि एक चुटकी बजा के अगर इतने म्यूटेंट्स को मारा तो एक आध बंदा और खत्म हो जाता, तो कम से कम दुनिया बच तो जाती। और अब एक अगली वीडियो में कैसे एक आदमी अपने दिल का दर्द बयां कर रहा है, वो जब लड़की देखने गया था तो लड़की का जवाब नहीं आया, उल्टा इसको एक खुशखबरी सुनने को मिली। आप भी खुशखबरी सुनिए और एंजॉय कीजिए। बेटियों की शादी उनकी मर्जी से करा दिया करो। कल हमारे पड़ोस में लड़के वाले लड़की को पसंद करके चले गए। लड़की भाग के अपने कमरे में चली गई, सबको लगा शर्म आ गई होगी। लेकिन जब बहुत देर बाद दरवाजा तोड़ के देखा तो वो खिड़की से कूद के भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों की माँ का। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, जिस भगवान ने इसके साथ इतना बुरा किया और कितना बुरा करेगा। और अब अगली वीडियो में देखिए कैसे एक औरत अपने मर्द को पीट रही है। ये तो वही बात हो गई, बाप ने ना मारी बैंड की बेटी तीरंदाज बनी घूम रही है। इसका मतलब औरत ये कहना चाह रही है, जितना मर्जी तू बना ले रास्ते, मारूंगी मैं तेरे चमाट आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते। इससे यही प्रूव होता है कि औरतों का काम सिर्फ मर्दों को पीटना ही है, उन्हें उसी में फन मिलता है। अबे सालो टिकटॉक पे क्या बना रहे हो, सड़क पे पीट लो, एक वीडियो बना के खुद डाल दोगे, अपने बच्चे को कह के वीडियो शूट करवाओगे तो तुम वैसे ही पॉपुलर हो जाओगे, कम से कम व्यूज आएंगे, पैसे आएंगे, ऐसी बकचोदी से कुछ नहीं मिलेगा। और अब अगली वीडियो में देखो कैसे गरीबों का अभिषेक बच्चन धूम मचा के करके बाइक चला रहा है बेवकूफों की तरह। और नीचे भी उसने बाइक पे नहीं बैठा, अपने दोस्त पे ही बैठा है। इसके माँ बाप भी सोचते होंगे कल को हमारा बच्चा बड़ा होगा, दुल्हन लाएगा, उसे घोड़ी बनाएगा, हमें पोता पोती देगा, पर साला यहाँ खुद घोड़ी बनी बैठा है। इसे देखने के बाद इसके माँ बाप का सिर्फ एक ही रिएक्शन होगा कि भैया तुमसे ना हो पाएगा। और अब अगली वीडियो में दो लौंडे नंगे सड़क पे बैठे अपना हक मांग रहे थे। वो तो स्कूटर वाला सन की निकला जो उसके उनमें से एक के ऊपर से निकल गया। वो तो शुक्र है उस बेचारे का सिर्फ जंगल कुचला गया, अगर सांप मर जाता तो उसके सारे का सारा झाग उसके मुंह से निकलता। जो लोग समझ गए वो लाइक ठोक देना वीडियो पे, जिन्हें नहीं समझ आए उनके लिए पोगो आज भी उनका इंतजार कर रहा है, जाकर पोगो ही देख लो। इस चीज से यही सीख मिलती है कि हक मांगने के लिए कभी भी रोड पे नहीं लेटना चाहिए, कब कौन कहां आगे गोटे सांप वांप तुम बंदा कुचल के निकल जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। और अब अगली वीडियो में सिर्फ एक सीख दी गई है, वो आपको मैं वीडियो देखने के बाद समझाऊंगा। इस दुनिया में याद रखना, कभी भी राह चलती औरत, गली मस्त घूम रहा हुआ कुत्ता, किसी और की खड़ी गाड़ी को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि
कर्मा बिच बन के कब आपके चूतड़ों पे टुनटुना बजा के चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अगली वीडियो में दीदी ने जो किया है यह पहले देखिए। दीदी आपने ये क्यों किया, किस लिए किया, कैसे किया और क्या मजबूरी रही है आपके करने में, जरा हमें और नीचे जनता को भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कुछ टाइम पहले 2-3 साल पहले एक नाटक आता था, आज से 1-1.5 साल पहले नागिन, उसका सबसे पायरेटेड वर्जन दिखाने जा रहा हूँ मैं दिखाऊंगा कैसे आज भैंस नागिन बनती है, भैंस देखिए इस वीडियो में। अगर ये वीडियो कहीं ना किसी दिन मोनी रॉय ने देख ली तो कसम से वो अब फांसी पे लटक के खुद मर जाएगी। अन्नी जो मजाक है। और अब अगली वीडियो में हवस अंकल के पेट सोते हुए आंटी के कमर तक पहुंच गई, पर आंटी ने एक चमाट मार के उसकी सारी हवस ठंडी कर दी। इससे यही पता चलता है कि भैया काम करते टाइम आंटियों औरतों और किसी भी बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, कब उनका मूड खराब होगा तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। अब आखिरी वीडियो में सिर्फ ये हुआ है कि भैया तुम पूरा दिन दोस्तों को कहते थे ना लौड़ा ले ले मेरा, लौड़ा ले ले मेरा, एक बंदे ने सच में दे दिया अपने दोस्त को लौड़ा, लो तुम भी इंजॉय करो। और अब आखिरी बचे टॉपिक को मैं कवर नहीं करना चाहता था, पर साले ट्रेंडिंग पेज की वजह से मैं इसे भी कवर कर रहा हूँ। तो आपने सोचा होगा कुछ दिन पहले गहरी चिरांत फैली थी इमेच्योर बैग, आज हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि जब भी वो दूसरों की ऐसी चीजें जो ऑनलाइन देखते हैं देखो, तो उनको ऐसा होता है कि यार हमारी ऐसी क्यों नहीं है। अभी आप जिम जाओ तो च्युइंगम चबाओ, उससे क्या होगा कि फेस के जो जॉ लाइन है वहाँ पे मसल्स होते हैं तो वो वर्कआउट हो जाएंगे और आपको चीजल जॉ लाइन मिल जाएंगे। इसमें जो है इस तरह की चीजी जॉ लाइन की बात कर रहा है, इसे जॉ लाइन नहीं कहते बेवकूफ, इसे कुपोषण की बीमारी कहते हैं। तो अगर तू सही डाइट खाना पीना अंडे दूध मलाई सब कुछ जी भर के खाता तो सिर्फ गरीबों वाली लाइन तेरे पास नहीं होती। और आपके फेस क्या ये जो च्युइंगम चबाने से कह रहा है, अगर च्युइंगम चबाने से लोगों का फेस ये जॉ लाइन बनती होती या चेहरा चमकता होता या किसी चीज का वजन कम होता, च्युइंगम वाले आजकल करोड़पति बन गए होते। इसके बाद इसने कुछ टिप्स एंड ट्यूटोरियल दिए सेक्सी दिखने के लिए। ये 3 अगर आप वीक में देखो, स्क्रब 2 बार करो, फेस वॉश जागने के बाद और सोने से पहले करो, और स्क्रब वीक में 2 बार करो, इससे क्या होता है कि स्किन डिटॉक्स होती है। तो यार इतना रूटीन फॉलो करो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अरे इसकी टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स के बाद अगर आप सेक्सी नहीं दिखे या आपसे बंदी नहीं पटी तो इसका मतलब आप समझ लो अगर आपकी चेहरा बुरा है तो इस सच से आप सिर्फ छिप नहीं सकते, उसका सामना आपको खुद ही करना पड़ेगा। बुरे दिखने वाले जानवर हो तो हो, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इतने तगड़े टिप्स एंड ट्यूटोरियल दे रहा है, अगर इसके बाद भी लड़की नहीं पड़ी तो जिंदगी झंडवा है आपकी। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और अब इसका एक छोटा सा इंटरव्यू का एक क्लिप दिखाता हूँ, कैसे इस इमेच्योर बैग वाले ने लोगों को कैसे राय दे रहा है और साला खुद सिंगल है। तो मतलब कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं ऐसा तो कोई नहीं है। मतलब तुम इतना भाषण देते हो ये करो वो करो, हाँ। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं ताजिया। इसके लिए मैं आपको एक कवर मत करो अभी। नहीं आपने कोचेस को देखा होगा राइट, हाँ। तो वो कभी फील्ड में खेलता है? सुन बहुत हार्ड था फिजिक्स और मैथ्स पास करना, बता दिया पढ़ाई शुरू किया पन्ने को भरना।
मतलब इस बात पे उसका डायलॉग तो सुन लो कि भैया जो खुद कोचेज होते हैं वो कभी फुटबॉल नहीं खेलते। अबे चिल गोजे, फुटबॉल की फूक के बराबर भी नहीं है तू। इस वीडियो बारे में उनका तेरे से लड़के सेल्फी जरूर खिंचवा लेंगी, पर तुझसे अगर बंदी पड़ गई तो भैया मैं ये चैनल शायद छोड़ दूंगा, जो शायद मेरे ख्याल से इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो। पसंद आया तो लाइक ठोक देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।